উনিশশো বয়ানবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পচারি লে গোটে প্রশ্ন যে মোদিজি আপ ফির কব আয়েঙ্গে ইয়ে প্রশ্ন জন সাধিক পচারিলে এবং মোদি উত্তরের কন জান বরিষ্ঠ পত্রকার তেয়ালিশ বর্ষর সাদিকতা এবং বড় কথা হচ্ছে ସେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଇଏ ବାବିର ବାବ୍ରି ମସ୍ଜିଦ୍ ନୁହେଁ ଇଏ ରାମ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହାଙ୍କର ତିରିଶ ବର୍ଷର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଜନ୍ମଭୂମିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା କେମିତି କାର୍ ସେବକ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା କେମିତି ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୁଳିଚାଳନା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ

स्वागत अभिनंदन करता हूं, चूँकि 32 वर्ष बाद आपके चैनल पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक्सक्लूसिव जो खुलासा है कि उन्होंने 14 जनवरी उन्नीस को रामलीला दरबार में क्या संकल्प लिया था तो उसका मैं साक्षी रहा हूँ नाइनटीन में आप अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनसे एक प्रश्न पूछा था और वो उत्तर में क्या कहे थे देखिए उस समय नरेंद्र मोदी जी का कोई बड़ा नाम नहीं था इस वजह से मतलब उनको पहचानने में कोई भी जब तक कोई बड़ा नाम नहीं होता कोई चर्चा नहीं होती तो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंडली मनोहर जोशी जी के साथ वो आए हुए थे उस समय एकता यात्रा निकली हुई थी तो उस या वो एकता यात्रा के लिए ही वो रामलीला दरबार में आए उस समय रामलीला दरबार में प्राकट उत्सव चल रहा था यानी जब रामलीला के दरबार में कोई मूर्ति प्रकट हुई थी उसका उत्सव चल रहा था तो उस उत्सव में वो आए थे तो मुरली मनोहर जोशी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी उनके इर्द गिर्द ज़्यादा ही नज़र आ रहे थे तो मुझे लगा कि कोई इनके खास ही हैं तभी इनके आसपास ही नजर आ रहे हैं तो हमने मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि ये जो आपके आ, साथ हैं ये कौन है इनका क्या नाम है तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी नाम है इनका और ये गुजरात के आ, बीजेपी के नेता हैं तो उस समय बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी थी नरेंद्र मोदी जी की और नौजवान थे और उस चेहरे पे मतलब दाढ़ी गाढ़ी रखे थे तो स्मार्ट लग रहे थे तो मैंने एक तस्वीर हमने कहा लाओ मैं खींच लूँ तो तस्वीर मैंने खींची उनकी उसके बाद फिर जब रामलला दरबार में आगे बढ़े तो मैं उनकी तस्वीर खींचते खींचते आगे बढ़ गया तो आमतौर पर लोग जो दर्शन करते हैं वो दर्शन करके चले जाते हैं पर नरेंद्र मोदी जी काफ़ी देर तक रामलला को निहारते रहे देखते रहे जैसे लगा उनसे कोई उनकी वार्ता हो रही है तो मुझे लगा कि कोई बातचीत रामलला से इनकी हो रही तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे चूँकि मैं पत्र पत्रिकाओं के लिए प्रेस फोटोग्राफी करता था तो एक पत्रकारिता वाला भी अंदर से रहता था कि सवाल इनसे किया जाए कि क्या बातचीत हो रही तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप कोई वार्ता कर रहे हैं क्या रामला जी बहुत देर से आप देख रहे हैं तब उन्होंने कहा इस बात का अभी मैं खुलासा नहीं करूँगा लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं ना खुलासा कीजिए लेकिन ये बताइए क्या कोई संकल्प ले रहे थे क्या आप तो मुस्कुराए फिर हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप रामलक दरबार में दोबारा आप कब आएंगे तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा मोदी जी आ रहे हैं नहीं तब मैं सोचने लगा कि उस समय तो कोई मुकदमे का फैसला आया था अरना कोई ऐसा आदेश था तो ये क्या सोच के कह रहे हैं तो मैं एक एक मिनट के लिए सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ऐसी कौन सी ये बात बता रहे हैं कि ये मंदिर निर्माण होगा तब आऊँगा ये कैसे कह सकते हैं लेकिन ये बातें आई गई हो गई और उसके बाद जो है पता चला कि गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो लोगों ने मुझसे मेरे मित्रों ने कहा कि आपने जिसकी तस्वीर खींची है गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं जाइए उनसे मिलिए तो हमने कहा बिल्कुल मैं मुलाकात करूँगा फिर देखते देखते चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए फिर वो जब प्रधानमंत्री बने तब लोगों ने मेरे मित्रों ने बड़े गर्व से कहा कि आपने जिसकी तस्वीर खींची है वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं जाइए उनसे मुलाकात कीजिए मैंने कहा मैं बिल्कुल जाऊंगा लेकिन तो उसी बीच तब तक ये विपक्ष की आलोचनाएं होने लगी कि राम मंदिर तो बन रहा है और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या नहीं आए तो मेरे पास जो तस्वीर थी मैंने उसको वायरल किया और मैंने कहा कि देखिए उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वो तभी रामलला के दरबार में आएंगे जब मंदिर का निर्माण होगा तो ये उनतीस वर्ष बाद उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करते हुए पाँच अगस्त दो को राम मंदिर की आधारशिला रखी तब ये लोगों को लग गया कि वाकई में इन्होंने संकल्प लिया था तब ये इसी वजह से नहीं आ रहे थे तो ये बहुत बड़ी राम भक्तों के लिए सौगात है कि देश को राम भक्त प्रधानमंत्री मिला है और संकल्पित राम भक्त प्रधानमंत्री जी को पहले वो आम एक दर्शनार्थी की हैसियत से रामलीला दरबार में आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में पाँच अगस्त दो को आए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और उसके अलावा अब 22 जनवरी को उन्हीं के ही आ, कर कमलों से राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम भक्त के रूप में ऐसे नेता जो है जाने पहचाने जाएंगे जो देश के इतिहास के पन्नों में अजरमर रहेंगे कि देश को पहली बार राम भक्त प्रधानमंत्री राम भक्त मुख्यमंत्री बना आज यही वजह है कि अयोध्या में चारों तरफ विकास हो रहा है अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चालू हो गया उड़ानें चालू हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर अयोध्या रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल राम मंदिर के मॉडल की, की तरह बन गया है तो तमाम यहाँ दर्शनार्थी पर्यटक आ रहे हैं और राम भक्तों की संख्या बढ़ गई है और देखते देखते देखिए भी पचास हज़ार की भीड़ थी अब लाखों की भीड़ हो गई तो कई चीज़ें यहाँ पर अब विकास की ओर बढ़ रहा है और यही वजह है कि सारे राम भक्त अब उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु अपने मंदिर में पधारें चूँकि तमाम कार सेवक उन्नीस में यहाँ पर शहीद हुए बलिदान हुए उन पर मुलायम सिंह की सरकार में गोलियाँ चलाई गई और सर, उस ये तो थी ये सफलता की कहानी जब अभी राम मंदिर बन रहा है तो लोगों देख रहे हैं सभी देश भर में लोग आ रहे हैं लेकिन जो इतिहास था उस समय गोली चलाई गई उस समय विश्व हिंदू परिषद की लोगों के ऊपर कार्रवाई कर गई वहाँ पर मंदिर नहीं था ऐसा भी षडयंत्र किया गया उस समय तो आपका जो भूमिका था आपकी फोटोग्राफ्स जब सिविल कोर्ट में आपने रखा हुआ तब कोर्ट ने क्या सुनवाई की उसके बाद क्या क्या बातचीत लोगों ने की राम मंदिर के ये बनने के लिए जो संग घर लोगों ने किया है कितना बड़ा सफलता अब जनवरी बाईस में लोग दिखेंगे देखिए ये राम मंदिर की जो गाथा है इतिहास है वो लगभग 500 वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे हैं और यही वजह रही है कि सीबीआई ने जो है हमें दो बड़े मुकदमे में गवाह बना दिया था एक रायबरेली कोर्ट में चल रहा था भड़काऊ भाषण का मुकदमा जिसमें आडवाणी जी के ऊपर और अन्य बड़े नेताओं पर चल भड़काऊ भाषण का मुकदमा चल रहा था उसके बाद जो है वो लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में जो है राम मंदिर के खजाना लूटने का मुकदमा चल रहा था तो वो सारे मुकदमों में मैं चंद्रदीप गवाह था लेकिन कहीं ना कहीं राम जी की ऐसी कृपा हो गई कि सभी जो आरोपी जो राम भक्त थे सब बाइज्जत भरी हो गए अब सब राम मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ा उसकी इतिहास है और सबसे बड़ा ये है कि जो सिविल कोर्ट में मुकदमा चला जो आप पूछ रही हैं कि ये बाबरी मस्जिद है कि राम जन्मभूमि है ज़मीनी विवाद जो चला है उसमें भी जितने सबूत राम मंदिर में दाखिल किए गए थे जबकि जब जब खुदाई होती थी समतलीकरण होता था तो मैं वहाँ रहता था और मैं मुझे एक लौता पास मिलता था मैं राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाया करता था यही वजह थी कि सब मैं अपने कैमरे में कैद करता था तो मैंने सारे फ़ोटोग्राफ अशोक सिंघल जी के कहने पर मैंने उनको अर्पित किए थे और उसके बाद फिर अशोक सिंघल जी ने मुझे सम्मानित भी किया था वर्ष उन्नीस में ही तिलक लगा के और चंपत जी के माध्यम से पूरे तस्वीरें न्यायालय में दाखिल हुई आज चंपत जी ट्रस्ट के महामंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं तो ये सब राम जी की कृपा है और मैं भी उस समय प्रेस फोटोग्राफर था आज मैं प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष हूँ तो पत्रकारिता में जो एक बड़ा पद है वो मेरे पास है प्रधानमंत्री जी के पास जो कि देश का प्रभार है और चंपत जी पे जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री हैं तो सबको कहीं ना कहीं से भगवान राम की कृपा हुई है और आज राम भक्तों की सरकार है यही वजह है कि चारों तरफ अब मोदी और योगी की जय जयकार हो रही है सर, उस समय जब आंदोलन चल रहा था आप गोली बरसाई गई थी आप तो वहाँ पर पत्रकारिता कर रहे थे फोटो खींच रहे थे एक नारा हमें भी सुनने को मिला था राम मंदिर वही बनेगा राम लला हम लाएंगे मंदिर वही बनाएंगे राम लला मंदिर हम वही बनाएंगे ये नारा चल रहा था ये जाहिर सी बात है मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो मुलायम सिंह ने एक डायलॉग मारा था कि परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार पाएगा उसको सारे देश के राम भक्तों ने चैलेंज स्वीकार किया था और बड़ी संख्या में 30 अक्टूबर 2 नवंबर को यहाँ पर कार्य सेवक इकट्ठा थे अयोध्या की किसी भी गली मोहल्ले में जगह ही नहीं थी और जब राम भक्त जो है रामधुन करते हुए 30 अक्टूबर नब्बे को जब जाते हैं तो वहाँ कोलकाता जो है वहाँ बड़ा बाज़ार है और वहाँ खैलात घोसलैन है गणेश टाकीज के पास वो एक राम कुमार कोठारी शरद कुमार कोठारी दोनों सगे भाई थे जो हीरा लाल कोठारी जी के जो है लड़के थे और उनकी माँ सुमित्रा कोठारी ये सब जो है दोनों राम भक्त तीस अक्टूबर को जाते हैं और राम मंदिर में सबसे पहले विजय फता फहरा के आते हैं मेरी मुलाकात हो जाती है तो मैं उनसे परिचय पूछता हूँ तो मुझे अपना नाम पता बताते हैं क्योंकि बड़े उत्साहित से और सबसे यही बात कह रहे थे कि सबसे पहले हमने विजय फताका फहराया लेकिन दुर्भाग्य और इस बात का है कि 2 नवंबर को 1990 को जब पुनः वो जा रहे थे जयकारा करते हुए थे तो लाखों कार के साथ ही जा रहे थे यहाँ पे दिगंबर अखाड़ा है उसी के आसपास के गोल आंसू गैस के गोले चलते हैं उसमें सब जो है मुझे भी मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता उस समय लेकिन मैं तस्वीरें खींच रहा था तो अचानक गोली चलती है और फिर गोली लगने से फिर वो लोग दोनों लोग वहीं शहीद हो जाते हैं और काफ़ी कार्य सेवक शहीद हो गए सर अभी तक कितने फ़ोटोग्राफ्स हैं आपके पास राम मंदिर के जो इतिहास हैं कितने सारे फ़ोटोग्राफ्स आपके पास देखिए मेरे पास तो हज़ारों फ़ोटोग्राफ है लेकिन चूँकि जो बहुत ही ऐतिहासिक है वही मैं इस एल्बम में रखा हूँ आप जैसी एंकर या कोई भी नेशनल चैनल हमसे पूछता है तो मैं दिखाता हूँ वैसे तो पर डे में एक रोल खींच लेता करता था मतलब कि जो पहले 36 का वो रील आती थी उसमें लगता था तो ब्लैक एंड वाइट और रंगीन में खींचता था लेकिन रंगीन फ़ोटोएं यहाँ पहले नहीं बनती थी तो लखनऊ से बनवाता था और ब्लैक एंड वाइट न्यूज़ पेपरों और न्यूज पत्र पत्रिकाओं के लिए मैं दे देता था छप जाती थी सुबह लिखता था कि छाया महेंद्र त्रिपाठी मैं इसी से प्रसन्न रहता था चलिए कुछ काम किया जो वक्त था वो कुछ समय के बाद चार चार बार मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री बन गए देश के जब वो रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं 22 जनवरी को तो आप मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे बात करेंगे कुछ सोचा है इस बारे में देखिए सोचा तो मैंने बहुत कुछ है मेरी इच्छा है कि मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो जाए आ, लेकिन इतनी वी आई है और लगभग मुझे जानकारी मिली है छः साढ़े लोगों को आमंत्रण मिला है जो अंदर जाएंगे लेकिन वो सिर्फ पांच लोगों को ही अंदर आमंत्रण है कि मरें मोदी जी के साथ वो पूजन में शामिल होंगे तो संभव नहीं है कि वो मुलाकात मेरी हो जाए लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी इच्छा जरूर प्रकट करता हूँ क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी उसी स्थान पर आएंगे तो मुझे देख के बेहद खुशी होगी कि 14 जनवरी उन्नीस को मैंने जिस व्यक्ति की तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और वही प्रधानमंत्री अब राम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो मैं एक बार तस्वीर जरूर मैं उनकी खींचता लेकिन ऐसा निर्देश दिया गया है जो आमंत्रण मिले हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी मोबाइल भी नहीं जाएगी आप कुछ लेके नहीं जाएंगे तो ये भी सपना मुझे लगता है कि अभी सपना ही रहेगा लेकिन मेरे मुलाकात ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहता हूँ मतलब कि मुलाकात हो जाए तो मैं उनसे बताऊं कि 14 जनवरी उन्नीस को जब आप राम भक्त के रूप में आए थे साधारण कार्यकर्ता के रूप में तब मैंने ही आपकी तस्वीर खींची थी अब आप देश के प्रधानमंत्री राम भक्त प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि उसी स्थान पर आप आ रहे हैं जहाँ हमने तस्वीर खींची थी हिंदुइज्म की बात चलती है और हिंदू धर्म की बात चलती है जब देश भर में तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं लेकिन 550 वर्ष की जो संघर्ष हमने किया है जो झंडा लेकर लोगों ने आया है राम मंदिर बनाने के लिए आज जब राम मंदिर बनेगा सनातन धर्मों के लिए जो सनातन को विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए क्या कितना सफलता माना जाएगा आपको क्या लगता है सर मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार कर दिया है कि अब तो दुनिया में चर्चा हो रही है तमाम जो है राम भक्त को जागृत हो गए हैं जिनको सनातन धर्म की जानकारी नहीं थी और ये काम मोदी और योगी जी ने कर दिया है और कुछ लोग विपक्ष के इसको ले के उल्टा सीधा प्रहार प्रचार किया उन्हें भी सबक मिल ही गया है कानूनी कार्रवाइयाँ हो गई हैं पर सनातन धर्म और राम मंदिर और भगवान श्री राम ये एक ऐसा मतलब नाम है जिसका नाम लेते ही जीवन धन्य हो जाता है अब मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस राम मंदिर के आंदोलन में अपना वक्त गुजारा है जो बलिदान हुए हैं अब उनको जो है सपना उनके सब पूरे हो रहे हैं और सरदार सरकार जो है उनको श्रद्धांजलि भी दे रही राम मंदिर बनाकर लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चूक है क्योंकि अगर जो राम मंदिर के आंदोलन में कार्य सेवक शहीद हो गए उन शहीद कार्यसेवकों को उनको सम्मान प्रधानमंत्री जी करते या उनके परिवार को बुला के उनका कुछ सम्मान करते उनके हाल चाल भिला पूछ भिला वो हाल चाल पूछते उनको कुछ इस तरह से नौकरियां मिलती या उनका कुछ मदद होता उनके अपने खुद के मकान होते अभी कुछ ऐसे कार सेवक हैं जो शहीद हुए हैं उनके पास खुद के मकान नहीं हैं तो ये कहीं चूक हो गई है और सबसे बड़ी एक चूक और सरकार से हो गई है प्रधानमंत्री जी से क्योंकि मुलायम सिंह ने कारसोकों पर गोली चलवाई अब मुलायम सिंह को ही पद्मश्री दे दिया गया तो जो कारसकों पर गोली चलवाई उसको पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए था हमने इतना सारा काम किया है मैं मुलाकात करने के लिए तरस रहा हूँ मुझे यश भारती मिलना चाहिए पद्मश्री की मैं इच्छा नहीं करता क्योंकि भाई पद्मश्री बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन कुछ सम्मान तो हमें भी मिलना चाहिए लेकिन अब हो सकता है कभी याद किया जाए हाँ लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं अपनी बात भी उनसे कहूँ क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में पत्रकारिता करते मुझे बयालीस वर्ष हो गए और मेरी इच्छा है कि कुछ मुलाकात हो जाए तो बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप इतने समय तक राम मंदिर के इतिहास के बारे में हमें बताया हम भी यही इच्छा रखेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो आम सहित महेंद्र त्रिपाठी जे कि राम मंदिर इतिहास रो जो संघर्षर कहानी कौते पांचश पचास वर्ष सनातन धर्म विश्वास रखुवा प्रत्येक हिंदूपाई के गुत्वपूर्ण बैश जानुरी महेन्द्र त्रिपाठी पाखु आप बैश जानुरी प्रधान सेवक जी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसबे ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ସନାତନ ଧର୍ମର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପଚାଶ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷର ଏଭଳି କିଛି ସଫଳତା ଦେଶକୁ ମିଳିବ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଅରଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ